वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर रेटू गैरेज। खुशखबरी, होंडा ने एक्टिवा अपनी लॉन्च कर दी है, वो भी इलेक्ट्रिक में। कैसा लगा मेरा मजाक? ओ भाई, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, मेरे सामने अभी एम्पेयर की तरफ से आने वाली एम्पेयर मैग्ना CX जो कि इलेक्ट्रिक में आती है। हाँ भाई, कई लोग धोखा खा जाते हैं कि ये होंडा की है क्या, मतलब ईवी व्हीकल है कि नहीं, मतलब होंडा की ईवी व्हीकल है कि नहीं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि होंडा ने अपनी ईवी व्हीकल लॉन्च कर दी है क्या। ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, बट इस व्हीकल को देखते हुए कई लोगों के मन में डाउट आ जाते हैं कि ये ईवी व्हीकल है कि नहीं। बस इसमें इंजन की कमी लगती है, बाकी सब सारे लुक्स एकदम होंडा एक्टिवा जैसे ही हैं। यहाँ तक कि पहिए भी होंडा के चुरा लिए हैं भाई इन्होंने, देखो। आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, लुक्स की, डायमेंशन की, मतलब बैटरी बैकअप वगैरह, रेंज, जितने भी प्रोस्पेक्टस हैं सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। पिछली वाली वीडियो में मैंने बस ये बताया था कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों परचेस किया था। अगर वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको भी देख लें। और भाई, स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। जैसा कि ये मतलब एक्टिवा जैसी लगती है आगे से, मतलब पता नहीं कितनी एक्टिवा का मिश्रण करा है इसमें। एविएटर आती है, एक्सेस 125 आती है, कुछ सबको मिला मिलू के ये सब इसको बना दिया है। सो गाइस, इधर जैसा कि ये हेडलाइट है, ये LED देखने को मिलती है, इस पे आपको एम्पेयर की बैजिंग देखने को मिलती है। इधर ये इंडिकेटर्स हैं, ये यहाँ पे क्रोम का वर्क है थोड़ा बहुत, ये एक्सेसरी का पार्ट है। और बात करें कलर की, हमारे पास मेटालिक ग्रे प्रॉपर सारी, पूरी बॉडी पूरी फाइबर की है, कुछ भी मेटल का यूज नहीं है। लगता है हाँ भाई मेटल का है, बट बिल्कुल भी मेटल का यूज नहीं दिया गया है इसमें। बात करें टायर्स की, इसमें 10 इंच के टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा छोटे लगते हैं एक्टिवा से कंपेयर करते वक्त। इसमें ड्यूअल कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम दे रखा है, डिस्क ब्रेक नहीं दे रखे हैं इसमें, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, होंडा की कॉपी मारी है प्रॉपर। और भाई ये देखो, साइड से कुछ इस तरीके से लगती है। बात करें साइड प्रोफाइल की, इधर आपको मैग्ना CX की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है आपको, जो कि ब्लैक कलर में है। ये स्टैंड प्रोवाइड करा रखा है, ये लेडीज फुटरेस्ट है, साइड फुटरेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और भाई ये देखो, कुछ गार्ड्स हैं, ये भी सब प्लास्टिक के हैं। और इधर आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं ड्यूअल सेटअप में, ये कुछ मड गार्ड वगैरह टाइप में। बात करें पीछे से आपको ये टेल लाइट देखने को मिलती है इस तरीके की, जो कि मैंने रैप करा रखी है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मॉडिफिकेशन में क्या क्या कराया। इधर आपको नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ये भी टेल लाइट भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलती है, ये LED में नहीं है। ये कुछ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है भाई इसकी, कुछ इस तरीके की बैक प्रोफाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और एविएटर को मात देती है। एविएटर से कॉपीड है ये बैक प्रोफाइल इसकी। भाई बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा है, कोई हाईटेक वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को बस इसी चीज़ से शिकायत है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है देखने में, मतलब इतना हाईटेक नहीं लगता। इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या शो करता है। ये आपको नॉर्मल स्पीड शो करता है, ये चार्जिंग स्टेटस है, और ये गियर स्टेटस है कि मतलब इधर आपको बटन दिया गया है हाई लो का। जैसे कि मैंने 1 पे स्विच किया लो पे, तो इधर 1 इंडिकेट कर देगा, जैसे ही मैं हाई पे स्विच करूंगा तो इधर 2 आ जाएगा। देखिए इधर आपको इंडिकेटर्स के सिग्नल्स दे रखे हैं, लेफ्ट राइट वाला। रेडी को दबाते ही इधर लाइट जल जाती है, जैसे कि मैंने रेडी को दबाया और इधर लाइट जल चुकी है। और इधर आपको हेडलाइट के स्विच दे रखे हैं, जो कि हेडलाइट ये है। इसमें आपको DRLs भी ऑफर करे गए हैं, जो कि LED में है, ये भी LED में है। रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक निकल कर आता है भाई इनका। और आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स दे रखे हैं लेफ्ट राइट के लिए। ये हॉर्न स्विच है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा है भाई। और ये आपको डिपर का स्विच दे रखा है अप डाउन के लिए। और इधर भी आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है, आप नॉर्मली यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, और इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। और इधर भी आप कुछ अपना स्टोर कर सकते हैं, और इधर अपना कुछ भी कैरी बैग वगैरह टांग सकते हैं, अप टू 1.5 kg। बात करें बूट स्पेस की, तो मैं आपको बूट एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मली आपको चाबी को इस तरह ट्विस्ट करना है, और एक और बार ट्विस्ट करना है तो ये आवाज़ आई, और ये हमारा बूट एक्सेस हो चुका है। और ये देखिए, काफ़ी बड़ा अच्छा सा बूट स्पेस देखने को मिलता है। इधर आपको ये गाइड वगैरह, और ये मेडिकल किट, और ये टूल किट वगैरह, और इधर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी LED लाइट दे रखी है, और ये MCB भी दे रखी है। अगर कोई आपकी इसमें मैग्नस में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो ये अपने आप डाउन मार जाएगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें, ये 1 lakh के अराउंड कॉस्ट करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है इस समय से, इस सेगमेंट में EV व्हीकल में, क्योंकि इसकी रेंज भी इतनी बढ़िया है ना, अप टू 100 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज है अगर आप लो स्पीड में चलाते हैं तो। और अगर आप हाई स्पीड में स्विच कर लेते हैं
तो अराउंड अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस 60-70 किलोमीटर्स बड़े आराम से चल जाती है। इसमें इन्होंने BLDC हब मोटर प्रोवाइड करा रखी है जो कि 6.2 किलोवाट्स की है। तो गाइस बात करें बैटरी की, इसमें आपको 38.25 AH एडवांस लिथियम आयन की बैटरी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रेंज निकालती है और 5 साल की वारंटी के साथ आती है। हमने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है क्योंकि इसमें आपको 5 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी में आपको बैटरी, मोटर, कंट्रोलर एंड चार्जर की सब की गारंटी मिल जाती है जो कि। तो गाइस बात करें इसके प्राइसिंग की, ये हमको ऑन रोड आगरा 1,05,000 की पड़ी थी आफ्टर कैश डिस्काउंट। एक्सटेंडेड वारंटी भी ले ली थी हमने तो उससे भी हमारा बजट बढ़ गया था और एसेसरीज वगैरह भी उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर से लगवा ली थी। सो गाइस यही थी एम्पेयर की मैग्ना CX। और भाई आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसको लेने का मूड बना रहे हैं तो। मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फ़ायदे, नुकसान क्या क्या रहे और भाई इसमें हमने मॉडिफिकेशन वगैरह क्या क्या कराई है, काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है इसका। चार्जिंग स्टेटस, टॉप स्पीड एंड एवरीथिंग, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बनने वाली हैं तो प्लीज़ तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।